इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेललिज्म और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। इंटरेस्टिंग साइजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इन पैरेललिज्म देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप इन द स्ट्रक्चर्स एंड आइडियाज, सो जस्ट सपोज जनरली इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम, रिपीटेशन, एंटीथेसिस, पोजिशन एंड अदर फॉर्म्स। सेमनेस रिलेशनशिप बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ अ टेक्स्ट। तो पैरेललिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेमनेस रिलेशनशिप बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ अ टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे आपको एक एक ही सेंटेंस में दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती नज़र आएंगी। अब वो रिपीटिशन किस तरह से हो सकती है? सिनोनिम्स की हो सकती है, एंटीथीसिस हो सकता है। एंटीथीसिस मतलब कि आपने दो ऑपोजिट आइडियाज़ को एक ही जगह पे यूज़ कर लिया और उनको मतलब अपने सेंटेंस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। रिपीटेशन आप यहाँ पे देख सकेंगे कि किसी फ्रेज की, किसी फॉर्म ऑफ वर्ब की, या किसी जो है पार्ट ऑफ स्पीच की, किसी भी तरह की रिपीटेशन जो है वो जो है यहाँ पे पैरेललिज्म जो है वो कंसिडर की जाएगी। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब पैरेललिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और फ्लेक्सिबल एस्पेक्ट ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है। आप सॉन्ग्स में भी देखेंगे वहाँ पे पैरेललिज्म का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप स्पीचेस देख लें, वहाँ पे जो स्पीकर होता है वो बहुत ज़्यादा पैरेललिज्म का यूज़ करता है, रिपीटिशन डालता है ताकि ज़्यादा एम्फोसाइज दे सके अपने सेंटेंस पे। अब हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल्स हैं पैरेललिज्म की वो ये हैं कि लाइक फादर लाइक सन। यहाँ पे देखिए लाइक का वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इजी कम इजी गो। इजी का जो वर्ड है यहाँ पे रिपीट हुआ है। इसके बाद आगे है विदर इन क्लास और एट वर्क और एट होम शास्ता वाज ऑलवेज बिजी। यहाँ पे किस चीज़ की रिपीटेशन है? एड की रिपीटेशन है, प्रपोजिशन की। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लाइंग इज फास्ट, कंफर्टेबल एंड सेफ। ये किस चीज़ की रिपीटेशन है? यहाँ पे एडजेक्टिव्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, फास्ट, कंफर्टेबल एंड सेफ। तो मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे रिपीटेशन सिर्फ वर्ड्स की हो सकती है, यहाँ पे फ्रेजेस की रिपीटेशन भी हो सकती है, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब की, पोएटिक डिवाइसेस की, किसी भी चीज़ की रिपीटेशन जो है वो कंसिडर की जाती है पैरेललिज्म के कंसेप्ट में। अब यहाँ पे साउंड्स भी रिपीट होते हैं इवन। तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं आगे से। अब ये जो है मॉर्फोलॉजिकल पैरेललिज्म इसकी टाइप है, जिसमें हम एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में देख रहे हैं कि वो किस चीज़ की रिपीटेशन दे रही है। तो मॉर्फोलॉजिकल पैरेललिज्म में रिपीटेशन होती है मॉर्फीम्स की। मॉर्फीम क्या चीज़ है? मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल लेक्सिकल आइटम ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मॉर्फीम का हमारा सेंटेंस जो है इसमें मॉर्फीम यूज़ हुआ है ईडी का। आई किस देयर एयर, आई किल्ड दी, यानी कि किस्ड किल्ड। दो मॉर्फीम्स यहाँ पे रिपीट हुई हैं ईडी वाली। ईडी वाली मॉर्फीम्स जो हैं ये एक ही सेंटेंस में रिपीट हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मॉर्फीम्स जो हैं वो ईडी ही होती हैं, और भी बहुत सी मॉर्फीम्स हैं, प्रीफिक्सेस, अफिक्सेस, बाउंड, फंक्शनल, और भी बहुत सी मॉर्फीम्स जो हैं। किसी भी तरह की मॉर्फीम की जब आपको रिपीटिशन नज़र आएगी किसी भी सेंटेंस में, तो आपने समझ आना है कि ये मॉर्फोलॉजिकल पैरेललिज्म हो रही है। अब यहाँ पे सिंटैक्टिक पैरेललिज्म का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे हमने ग्रामर पे फोकस करना है, कि जहाँ भी आपको ग्रामेटिकल रिपीटेशन नज़र आएगी उसको हम कहेंगे सिंटैक्टिक पैरेललिज्म। अब ग्रामर में क्या चीज़ें आती हैं? पार्ट ऑफ स्पीच आ जाते हैं इसमें, इसमें हमारे पास आर्टिकल्स, इसमें हमारे पास ये आ जाते हैं टेंसेज आ जाते हैं, उनकी रिपीटेशन आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की वो है, रिपीटेशन है, पैरेललिज्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, ये शेक्सपियर के ओथेलो में से ली गई है एग्जांपल, जिसका नाम है आई किस दी एयर, आई किल दी। यहाँ पे ईडी की रिपीटेशन हो रही है, यानी पास्ट सेंटेंस की रिपीटेशन हो रही है, जिसको हम सिंटैक्टिक पैरेललिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, रोमांस, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। अब यहाँ पे सोचें किस चीज़ की रिपीटेशन, वहाँ पे तो सीधा सीधा नज़र आ रहा था जी ईडी की रिपीटेशन हो रही है, यानी है पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की है? फ्रेंड्स, रोमांस, कंट्रीमैन, तीन यहाँ पे नाउंस यूज़ हो गए हैं एक साथ ही। तो क्या हुआ यहाँ पे?
नाउंस की रिपीटेशन हो गई है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड की रिपीटेशन और टेंसेज की हो रही है, किसी भी तरह की रिपीटेशन हो सकती है, वो ग्रामेटिकल कैटेगरीज में किसी लिटरेरी टर्म की हो सकती है, किसी पार्ट ऑफ स्पीच की हो सकती है, लेक्सिकल या फिर सेमेंटिक पैरेललिज्म। तो इसमें आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, यहाँ पे रिपीटेशन होती है लेक्सिकल आइटम्स की, यानी कि वर्ड्स की रिपीटेशन होती है। अब सिनोनिम, हाइपोनिम और एंटन जो हैं यहाँ पे आ जाते हैं इसमें सिमेंटिक पैरेललिज्म में। सिनोनिम आपको पता है कि ये रिपीटेशन होती है किसी भी जो है मीनिंग की रिपीटेशन होती है। हाइपोनिम में आ जाता है कि किसी भी कैटेगरी की रिपीटेशन हो रही है, और एंटन भी है। अब बात करें हम इसकी एग्जांपल्स की, तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं, मैरी लाइक्स हाइकिंग, स्विमिंग एंड टू राइड अ बाइसाइकिल। अब यहाँ पे सेंटेंस जो है वो सही तरह से प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे कर, मीनिंग तो कन्वे कर रहा है लेकिन वो उसकी रिदम नहीं बन रही, रिपीटेशन हम ये नहीं कह सकते कि सही तरह से हुई है। लेकिन अगर हम कहें मैरी लाइक्स हाइकिंग, स्विमिंग एंड राइडिंग, अब यहाँ पे ई एन जी की रिपीटेशन हुई है, तो ये क्या है, लेक्सिकल आइटम्स यानी कि लेक्सिकल पैरेललिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास ही इज़ टैलेंटेड, इंटेलिजेंट एंड हैज टर्म, फिर वही बात, यहाँ पे अब सही तरह से जब हम वर्ड लिखेंगे जिसमें लेक्सिकल या फिर सेमेंटिक पैरेललिज्म होगी, तो वो क्या है, ही इज़ टैलेंटेड, इंटेलिजेंट एंड चार्मिंग, यानी कि एक मीनिंग कन्वे कर रहा है जो कि एक सीक्वेंस में चल रहा है। द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज आस्ट टू राइट हिज रिपोर्ट क्विकली, एक्यूरेटली एंड इन अ डिटेल्ड मैनर। तो ये जो है इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज आस्ट टू राइट हिज रिपोर्ट क्विकली, एक्यूरेटली एंड थॉरली। अब बात यहाँ पे की जा रही है फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म की, तो फोनोलॉजिकल फोनेटिक्स से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे साउंड्स की बात की जा रही है, तो सिमिलर साउंड्स जो हैं उनकी जब रिपीटेशन होगी तो उसको हम कहेंगे फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म। अब इसमें जो लिटरेरी टर्म्स आती हैं वो है एजोनेंस, एलिट्रेशन, कॉन्जोनेंस एंड राइमिंग स्कीम। एजोनेंस क्या चीज़ है, एजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स, यहाँ पे वोवल साउंड्स की रिपीटेशन होती है, वो स्टार्ट में हो सकती है, एंड में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब आपके पास एक एग्जांपल है, एडगर एलन पॉज फेमस पोएम जो है वो ये है, द रेवन इज द सिल्कन सैड अनसर्टेन रसलिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टन। अब यहाँ पे किस चीज़ की रिपीटेशन है, अर साउंड की, यू आर देखें पर्पल कर्टन, यहाँ पे यू आर की साउंड जो है वो रिपीट हुई है, तो ये क्या है, एजोनेंस, मैंने आपको बताया था एजोनेंस वोवल साउंड की रिपीटेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स, क्या मतलब हुआ कि किसी भी वर्ड के बिगनिंग पे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं उनकी जब रिपीटेशन होती है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। अब देखें हमारे पास एग्जाम्पल है, जे के रॉलिंग ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज यूजेस दिस लॉट विद नेम्स, फॉर एग्जाम्पल सेवरस स्नैप, ल्यूना लव गॉड, रोवेना रेवन क्लॉ एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेवरस स्नैप जो है यहाँ पे एस का रिपीटेशन है, दोनों वर्ड्स जो हैं उनमें एस का यूज हुआ है, यहाँ पे ल्यूना लव गुड है तो एल का जो है वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, किसी का नाम है शाइस्ता शावीर, शावीर कुछ इस तरह का लिख लें, मतलब तो उसमें जो क्या होगा, एस का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। इसके अलावा जो है कुछ लोगों का नाम होता है जैसे अली, आमना अली, तो यहाँ पे ए का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। सॉरी, ये जो है ये चीज़ उसमें नहीं कंसिडर की जाएगी एलिट्रेशन में, क्यों, क्योंकि ये ए का साउंड है यानी कि वोवल साउंड है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट साउंड के सिर्फ रिपीटेशन है। आगे हमारे पास आ रहा है कॉन्सोनेंट्स, इसका क्या कंसेप्ट है, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट सेवरल टाइम्स इन अ रो, बट दिस टाइम द कॉन्सोनेंट्स कैन अपीयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल हम्प्टी डम्प्टी। अब देखें ये जो है ये रिपीटेशन जो है वो कहीं पे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट ऑफ द वर्ड जो होगी, जैसे एलिट्रेशन में तो ये कंसेप्ट है ना कि सिर्फ स्टार्ट पे ही रिपीटेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे कहीं भी हो सकती है।
अब देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास हम्प्टी डम्प्टी। अब हम्प्टी डम्प्टी में कहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, फर्स्ट वर्ड की नहीं है, बाकी सारे की हो रही है। अम्प्टी यू से लेके वाई तक ये रिपीटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड की। आगे हमारे पास राइमिंग स्कीम, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड जो है वो एक दूसरे के साथ जब सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, राइमिंग स्कीम। एग्जाम्पल है हमारे पास टैप मैप। अब देखें टैप मैप जब आप बोलेंगे तो आपको पता चल रहा है कि साउंड जो है वो मैच कर रहा है। इसके अलावा बेस्ट वॉस, ये जो है इसका भी साउंड मैच कर रहा है। और अपने जहन में लाएं कैसे साउंड हो सकता है, आई आए बाय, इसके अलावा हाय बाय, इस तरह भी लोग करते हैं अक्सर। तो ये साउंड्स जो हैं ये रिपीटेशन हो रही है। और मैंने बताया है कि साउंड की रिपीटेशन को फोनोलॉजिकल पैरालेलिज्म कहते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।